मार्वल स्टूडियो में अपनी फिल्मों की श्रृंखला मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से शुरू की। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म आयरन मैन थी। आयरन मैन में मुख्य किरदार निभाया था रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। रॉबर्ट डाउनी जूनियर पहले भी कुछ हिट फिल्में दे चुके हैं, लेकिन आयरन मैन उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म निकली जिसने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। तो दोस्तों, आज हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ही बात कर रहे हैं। मशहूर अभिनेता रॉबर्ट डाउनी का जन्म 4 अप्रैल 1965 को हुआ था। वह बहुत ही बड़े निर्माता निर्देशक रॉबर्ट डाउनी के बेटे हैं। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र से ही कर दी थी, लेकिन रईस जीवन होने की वजह से यह गलत संगति में पड़ गए। इन्हें शराब और अन्य नशीली पदार्थों की आदत लग गई, जिसकी वजह से इन्हें जिंदगी में आगे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 90 के दशक में इनकी फिल्म चैपलिन रिलीज हुई, जो मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत सराहा। इस फिल्म को एक ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया। आपको बता दें, इस फिल्म के बाद वह और ज्यादा नशे की लती हो गए। इसके बाद उन्होंने शराब पीकर अवैध रूप से गाड़ियां भी चलाईं, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने जेल में काफी लंबा और बुरा समय काटा है। फिर उन्होंने साल 2005 में एक कॉमेडी एक्शन फिल्म की, जिसका नाम था किस किस बैंग बैंग। इस फिल्म से उनको उनकी खोई हुई ख्याति वापस मिल गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी जिंदगी से निराशा थी, जिसकी वजह से वे नशा मुक्ति केंद्र में गए। नशा मुक्ति केंद्र में उनको नशे से छुटकारा दिलाया गया। इसके बाद से उन्होंने सारे नशीले पदार्थों का सेवन करना बंद कर दिया। उनका कहना है कि वह कॉफी को छोड़कर कोई भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करते जो लती हो। फिर उन्हें उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साल 2008 में मिली। इस फिल्म का नाम था आयरन मैन। आयरन मैन में उन्होंने टोनी स्टार्क और सुपरहीरो आयरन मैन का किरदार निभाया। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट गई कि इसका दूसरा भाग साल 2010 में रिलीज हुआ और तीसरा भाग 2013 में। अब रूमर यह है कि इस फिल्म का चौथा भाग साल 2021 में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आयरन मैन 4 साल 2021 में रिलीज हो सकती है। इस बीच उन्होंने ट्रॉपिक थंडर और शर्लॉक होम्स के 2 भाग किए, जिसकी वजह से उनके अभिनय को विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई। इस वजह से आज वह एक फिल्म के लगभग 30 मिलियन से 40 मिलियन डॉलर लेते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कहना है कि वह आज जिस मुकाम पर हैं, उसके लिए उनकी सबसे बड़ी वजह उनकी बीवी है। उन्होंने अपनी सारी गलत आदतों को अपनी बीवी की वजह से छोड़ा है। इस वजह से अब वह आयरन मैन और अवेंजर्स जैसी बड़ी फिल्मों के मुख्य किरदार को निभा पा रहे हैं। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।